सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्रैब साइकिल. आई एम मेकिंग क्रैब साइकिल वेरी 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 इजी फॉर यू एंड यू विल लर्न इट इन ए फ्यू मिनट्स. ओके सो वील स्टार्ट विद द निमोनिक्स. एज द निमोनिक्स से एंग्री काउ इज एंग्री सिंग सिली फनी मेलेडी आउट. आई नो अगेन इट्स अ लेम वन बट स्टिल इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द की मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द क्रैब साइकिल विच इज़ एंग्री काउ इज एंग्री सिंग सिली फनी मेलेडी आउट. ओके सो फ्रॉम एंग्री वी हैव एसिटाइल कोए. ओके फ्रॉम काउ वी हैव सिट्रेट. फ्रॉम इज वी हैव आइसोसिट्रेट. ओके फ्रॉम एंग्री वी हैव अल्फा कीटोग्लूटरेट. ओके फ्रॉम सिंग वी हैव सक्सिनाइल कोए. फ्रॉम सिली वी हैव सक्सिनेट. फ्रॉम फनी वी हैव फ्यूमरेट. ओके फ्रॉम मेलेडी वी हैव मैलेट. ओके एंड फ्रॉम आउट वी हैव ऑक्सैलो एसीटेट विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसीटेट. ओके सो हेयर आर द नाइन मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्व मेनली इन द क्रैब साइकिल विच इज़ एसिटाइल कोएंजाइम. इट्स द क्रैब साइकिल स्टार्ट फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम. देन वी हैव सिट्रेट आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनाइल कोए सक्सिनेट फ्यूमरेट मैलेट एंड ऑक्सैलो एसिटेट. ओके सो एज द निमोनिक गो एंग्री काउ इज एंग्री सिंग सिली फनी मेलेडी आउट. ओके सो दिस इज आर क्रैब साइकिल इफ वी ड्रॉ इट इन अ साइक्लिक फॉर्म. ओके सो वट विल हैपन वेन वंस वी टेक द फूड द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पाइरूवेट. ओके सो वेन वी हैव टू यूटिलाइज दैट एनर्जी विल यूटिलाइज एंड इट विल चेंज इन टू एसिटाइल कोए विच इज द फर्स्ट यू कैन से द की कॉम्पोनेंट ऑफ द क्रैब साइकिल एसिटाइल कोए. सो हेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कार्बन काउंट चेंजेस दैट इज हैपनिंग इन द होल साइकिल. ओके सो हाउ विल यू रिमेंबर द टोटल कार्बन काउंट चेंजेस विच इज अकरिंग हेयर. यू नो दैट वंस वी ईट फूड द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पाइरूवेट. ओके एंड देन इट विल फॉर्म द एसिटाइल कोए इन ऑर्डर टू स्टार्ट द क्रैब साइकिल. सो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू क्रैम वन थिंग दैट एसिटाइल कोए इज अ टू कार्बन प्रोडक्ट इज द टू कार्बन प्रोडक्ट. ओके और ऑक्सैलो एसिटेट विच इज़ द लास्ट पार्ट बिकॉज द क्रैब साइकिल मूव फ्रॉम हेयर एंड ऑक्सैलो एसिटेट विल बी द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द क्रैब साइकिल. इट विल बी अ फोर कार्बन. ओके इट विल बी अ फोर कार्बन प्रोडक्ट. ओके सो वेन यू नो दैट ऑक्सैलो एसिटेट कंबाइंस विद एसिटाइल कोए इन ऑर्डर टू फॉर्म वॉट सिट्रेट. सो बेसिकली वेन फोर कार्बन प्लस टू कार्बन जॉइंस टूगेदर दिस विल मेक अ सिक्स कार्बन. दिस विल मेक सिक्स कार्बन प्रोडक्ट. ओके सो नाउ यू हैव टू मेक दैट सिक्स कार्बन इंटू फोर कार्बन इन ऑर्डर टू कम्प्लीट दिस कार्बन काउंट चेंजेस. ओके ऑलवेज रिमेंबर दिस एसिटाइल कोए इज अ टू कार्बन प्रोडक्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द क्रैब साइकिल विच इज ऑक्सैलो एसिटेट इज अ फोर कार्बन प्रोडक्ट. ओके नाउ वेन फोर एंड टू कंबाइन इट विल फॉर्म सिक्स. ओके सिक्स कार्बन प्रोडक्ट विच इज सिट्रेट. नाउ आइसोसिट्रेट इज जस्ट अनदर कॉपी ऑफ सिट्रेट. ओके इट इज ऑल्सो सिक्स कार्बन. Now there is six carbon. When isocitrate converts into alpha ketoglutarate, it will lose one carbon. It will form five carbons. Okay, and when it alpha ketoglutarate forms succinyl CoA, it will lose another carbon and then it becomes four carbon. Okay, so here onwards it will also be four carbon, four carbon, four carbon, and in the end oxaloacetate is a four carbon in order to make the last product in having four carbon. Okay so acetyl CoA 2 4 plus 2 then 6 also fit 5 and then 4 4 4 4 and so on until oxaloacetate. So this will be the total carbon count change that occurs here. Now we are going to talk about the enzymes that are involved in what Krebs cycle. Okay here just I have written the Krebs cycle in this flowchart manner. Okay so now a mnemonic to learn
द एंजाइम्स इन्वॉल्व इज सो एट डिस्को ड्यूक यू कैन रिमेंबर एनी नेम फ्रॉम डी ओके सिप डाउन फाइव ड्रिंक्स ओके सो दिस इज द निमोनिक टू लर्न द एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ द क्रैब साइकिल और द हैपनिंग ऑफ द क्रैब साइकिल सो फर्स्ट वी हैव फ्रॉम सो फ्रॉम एस वी हैव सिंथेस Remember, when S is coming anywhere, it will lead to what? Synthase. And when D is coming anywhere, it will lead to dehydrogenase. Okay, so here we have S. S is for synthase. So now consider from acetyl-CoA, citrate is forming, which is synthesized. Citrate is synthesized here, so the enzyme will be what? Citrate synthase. Citrate synthase. Okay, from AT we have, from A, aconitase. So aconitase is the one that is responsible for the conversion of citrate into isocitrate at and from here we have S okay that is so we have citrate synthase and then we have from A aconitase okay from DISCO I told you earlier that from D there will be always what dehydrogenase so here is also dehydrogenase okay So whose dehydrogenase is occurring here? Isocitrate dehydrogenase is occurring because isocitrate is now changing into alpha ketoglutarate. So isocitrate dehydrogenase. Okay. Now we have what Duke. Okay. Duke is again D from dehydrogenase is occurring. Now whose dehydrogenase is occurring? Alpha ketoglutarate dehydrogenase is occurring here okay now we have S from S we have what synthase and now who synthase synthesizing here succinyl CoA okay so we have succinyl CoA synthesizing here okay now what is happening from D we again have what dehydrogenase And who dehydrogenase is occurring? Succinic. Now it comes succinate, nahi. Succinic dehydrogenase will occurring. Now from F we have fumarase. And from drinks we have malate. Malate dehydrogenase. Okay, now this is what the enzymes that are involved in the Krebs cycle. So this will make you very, very easy to learn it. Always remember from S there will be synthase and from D there will always be dehydrogenase. You just have to write the names according to the flow chart. Okay, so you can relate it from here. So you can relate it from here also. Yeah. So yeah, that's it. Hope you'll get to know what is Krebs cycle and hope I'll be able to teach you about the Krebs cycle in easiest possible manner. Yeah, thank you.